निषाद देश में नल नाम के एक नेक राजा रहते थे। नल अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। उनके शासनकाल में निषाद देश में शांति और समृद्धि का माहौल था। सुंदर और बहादुर वो घुड़सवारी और अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। नल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी की तारीफ करते थे। वे एक कुशल योद्धा थे और अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बहुत दूर विदर्भ देश में राजकुमारी दमयंती पलीबरी। दमयंती न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श थी और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनका दिल दयालु था, उनका मन मजबूत था। दमयंती ने अपने राज्य के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती और उनके दुख दर्द को समझती थी। एक दिन नल के बगीचे में एक हंस उतरा। यह हंस बहुत ही सुंदर और अद्वितीय था, जैसे किसी जादुई दुनिया से आया हो। नल ने पहले कभी ऐसा हंस नहीं देखा था और उसकी ओर आकर्षित हो गए। हंस ने एक राजकुमारी दमयंती के बारे में गाया, जिसकी सुंदरता सूरज और चांद को भी मात देती थी। हंस की आवाज में एक जादू था जिसने नल को मंत्रमुग्ध कर दिया। नल ने हंस की बातों को ध्यान से सुना और दमयंती के बारे में जानने की इच्छा प्रबल हो गई। उत्सुक होकर नल ने हंस को पकड़ लिया और जानने को बेताब हुए। नल ने हंस से पूछा कि वह कौन है और दमयंती के बारे में और क्या जानता है। हंस ने नल को बताया कि दमयंती एक अद्वितीय राजकुमारी है, जिसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे विदर्भ में होती है। हालांकि यह हंस कोई साधारण पंछी नहीं था। यह हंस एक दिव्य दूत था जो नल और दमयंती के बीच एक विशेष संदेश लेकर आया था। हंस ने नल को बताया कि वह दमयंती के पास से आया है और उसके दिल की बातों को सुनाने आया है। यह तो खुद दमयंती का दूत था, जिसने भी नेक राजा नल के किस्से सुने थे। हंस ने नल को बताया कि दमयंती ने भी नल के बारे में सुना है और वह भी उनसे मिलने की इच्छुक है। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती के बीच एक नई कहानी की शुरुआत की। हंस ने अपनी मानवीय आवाज में दमयंती के गुणों और चतुराई का वर्णन किया। उसकी आवाज में एक जादू था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। दमयंती की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगता था। हंस ने नल को बताया कि दमयंती न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता भी अद्वितीय थी। हंस के वर्णन से मंत्रमुग्ध नल ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। नल ने हंस से कहा कि उसने कभी किसी के बारे में इतनी अद्भुत बातें नहीं सुनी थी। वह दमयंती की सुंदरता और गुणों के बारे में सोचकर ही मोहित हो गया था। नल ने हंस से कहा कि वह दमयंती से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो इस असाधारण राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। नल का दिल दमयंती के लिए धड़कने लगा। वह हर पल उसके बारे में सोचने लगा और उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो गया। नल ने हंस से कहा कि वह दमयंती से मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हंस ने उनकी सच्चाई को भांपते हुए उनकी भावनाओं को दमयंती तक पहुंचाने का वादा किया। हंस ने नल की सच्ची भावनाओं को महसूस किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह दमयंती तक उसका संदेश जरूर पहुंचाएगा। हंस ने नल से कहा कि वह दमयंती को उसकी सच्ची भावनाओं के बारे में बताएगा और उसे नल के प्रेम के बारे में समझाएगा। अपनी बात पर खरा उतरते हुए हंस ने विदर्भ के लिए उड़ान भरी। हंस ने नल से विदा ली और दमयंती तक उसका संदेश पहुंचाने के लिए विदर्भ की ओर उड़ चला। हंस ने अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़ान भरते हुए विदर्भ की ओर बढ़ा। उसकी उड़ान में एक दृढ़ संकल्प था जो उसकी वफादारी और निष्ठा को दर्शाता था। उसने दमयंती को उसके बगीचे में पाया, फूलों से घिरी हुई। दमयंती अपने बगीचे में फूलों के बीच बैठी थी जब हंस वहां पहुंचा। बगीचे की सुंदरता और दमयंती की मोहकता ने हंस को भी मोहित कर दिया। हंस ने दमयंती को देखा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। हंस ने नल, उनके शौर्य और उस प्रेम के बारे में बताया जो उनके दिल में दमयंती के लिए खिल उठा था। हंस ने दमयंती को नल के शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे नल ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी और कैसे वह एक महान योद्धा था। हंस ने दमयंती को नल के दिल में उसके लिए उमड़ते प्रेम के बारे में भी बताया। हंस की बातों से दमयंती भावुक हो गई और उनके दिल में भी एक चिंगारी सी भड़क उठी। दमयंती ने हंस की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में भी नल के लिए प्रेम की भावना जाग उठी। हंस की कहानियों ने दमयंती के दिल को छू लिया और उसने नल से मिलने की इच्छा जताई।
दमयंती ने हंस से कहा कि वह नल से मिलने के लिए उत्सुक है और उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। दमयंती की सुंदरता की खबर दूर दूर तक फैल गई। राजा और राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। उनके पिता राजा भीम ने स्वयंवर की घोषणा की। एक भव्य समारोह जहां दमयंती इकट्ठा हुए राजकुमारों में से अपने पति का चुनाव करेंगी। नल, जिनका दिल दमयंती पर आ गया था, विदर्भ के लिए रवाना हुए। वो स्वयंवर में पहुंचे, उनका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नल मुख्य सभा में दाखिल हुए, उन्होंने स्वयं को देवताओं की भीड़ में पाया। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम दमयंती की सुंदरता पर मोहित होकर स्वयंवर में आए थे। उन्होंने नल से अनुरोध किया कि वो उनके दूत बने और दमयंती तक उनका प्रेम संदेश पहुंचाएं। दमयंती के प्रति अपने प्रेम और देवताओं के प्रति अपने सम्मान के बीच फंसे नल एक दुविधा में पड़ गए। वो देवताओं को मना नहीं कर सकते थे, फिर भी वो अपने दिल से भी विश्वासघात नहीं कर सकते थे। भारी मन से वो उनका संदेश देने को तैयार हो गए। दमयंती, जिसका दिल नल पर आ चुका था, ने देवताओं के भेष के बावजूद उन्हें आसानी से पहचान लिया। उसकी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी, जो किसी भी छलावे को भेद सकती थी। देवताओं ने नल का रूप धारण किया था, लेकिन दमयंती का दिल जानता था कि उसका सच्चा प्रेम कौन है। उन्होंने दिव्य स्वयंवरों को अस्वीकार कर दिया और नल के लिए अपने प्यार का इजहार किया। दमयंती ने देवताओं के सामने साहसपूर्वक खड़े होकर कहा कि उसका दिल केवल नल के लिए धड़कता है। उसकी इस घोषणा ने देवताओं को चौंका दिया, लेकिन उसका प्रेम अडिग था। देवता, जिनका अभिमान आहत हुआ था, उन्होंने नल को श्राप दे दिया। उनके गर्व को ठेस पहुंची थी और उन्होंने नल को भयंकर कष्ट देने का निर्णय लिया। देवताओं ने नल को श्राप दिया कि वह अपने राज्य और सुख समृद्धि को खो देगा। काल, विनाश के देवता, ने कसम खाई कि वो नल से उसका राज्य छीन लेंगे और उसे दुखी भटकने पर मजबूर कर देंगे। काल ने नल के जीवन में अंधकार लाने की ठान ली थी। उसने नल के भाग्य को बदलने की प्रतिज्ञा की, जिससे नल और दमयंती का सुखमय जीवन संकट में पड़ गया। नल और दमयंती ने एक भव्य समारोह में विवाह कर लिया। उनका विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। हर कोई उनकी जोड़ी की प्रशंसा कर रहा था और उनके प्रेम की कहानियां चारों ओर फैल गईं। कुछ समय के लिए वो खुश रहे। उनका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण था। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद ले रहे थे और उनके राज्य में खुशहाली थी। लेकिन काल का श्राप उन पर मंडरा रहा था। उनके सुखमय जीवन पर एक काले बादल की छाया थी। नल और दमयंती को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके ऊपर एक भयंकर संकट आने वाला है। एक दिन नल ने श्राप के प्रभाव में आकर कई गलत फैसले लिए, जिससे वो जुए में अपना राज्य और धन गंवा बैठे। नल का जीवन अचानक से बदल गया। उसने अपने राज्य को खो दिया और उसके साथ ही उसकी सारी संपत्ति भी चली गई। नल और दमयंती को अब एक कठिन यात्रा पर निकलना था, जहां उन्हें अपने प्रेम और साहस की परीक्षा देनी थी। हारकर और अकेले, नल शर्मिंदा और दुखी ने दमयंती को छोड़ने का फैसला किया, इससे पहले कि श्राप उनकी दुर्भाग्य का कारण बने। वो जंगल में चले गए, अपनी प्यारी पत्नी और अपने राज्य को पीछे छोड़ते हुए। दमयंती टूटे हुए दिल और अकेली अपने खोए हुए पति को खोजती रही। इस बीच नल जंगल में एक नाग से मिले। नाग नल की दुर्दशा से द्रवित होकर उसने खुलासा किया कि वो करकोटक था, नागों का राजा, और उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। करकोटक ने नल को खुद को छिपाने और काल के श्राप से बचने का एक तरीका बताया। नाग का आलिंगन। करकोटक ने नल को डसा, जिससे उनका रूप बदल गया। उसने नल को बहुक नाम से अयोध्या राज्य में नौकरी तलाशने का निर्देश दिया। नल भेष बदलकर और आशा से भरे हुए एक नए रास्ते पर निकल पड़े, दमयंती के साथ फिर से मिलने की उम्मीद से चिपके हुए। साल बीत गए। दमयंती एक लंबी और कठिन खोज के बाद अपने पिता के राज्य पहुंची। वो नल को ढूंढती रही, उनका प्यार अटूट था। एक दिन उन्हें अयोध्या में बहुक नाम के एक कुशल सारथी की खबर मिली। पहचान और पुनर्मिलन। नाम के बारे में कुछ सुनकर दमयंती के दिल में एक तार छेड़ गया। उन्होंने बहुक को बुलवाया। उनका दिल थोड़ी सी आशा से भर गया। जैसे ही बहुक उनके सामने खड़ा हुआ, दमयंती ने अपने प्रिय नल को उनके बदले हुए रूप के बावजूद पहचान लिया। खुश होकर नल ने